हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईफा अवार्ड 2019 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इसमें पहला पॉइंट आता है कि आईफा अवार्ड 2019 का जो आयोजन किया गया इसका कौन सा संस्करण था, तो 20वां संस्करण था। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि हर साल आईफा अवार्ड का आयोजन दूसरे देशों में किया जाता है, लेकिन इस साल अपने देश में यानी मुंबई में इसका आयोजन किया गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकाडमी अवार्ड जो है आईफा अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकाडमी के द्वारा हर साल यह अवार्ड दिया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि ये तो इंग्लिश इसका संस्करण है और ये जो वर्जन है हिंदी वर्जन है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के नाम से यह जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि किस लिए दिया जाता है, तो दुनिया भर में भारतीय सिनेमा के योगदान के सम्मान स्वरूप में ये सम्मान दिया जाता है। सबसे पहले 2000 में स्टार्टिंग इसका किया गया था और लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया था। तो आइए एक एक लिस्ट को देखते हैं कि आईफा अवार्ड 2019 को किसे किस लिए दिया गया। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट फिल्म किसे चुना गया, तो राजी को चुना गया। बेस्ट डायरेक्टर किसे चुना गया, तो श्रीराम राघवन को, जो कि अंधाधुन सिनेमा के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर यानी कि फीमेल यानी कि कहा जाए तो बेस्ट एक्ट्रेस किसे चुना गया, तो आलिया भट्ट को, जो कि राजी सिनेमा के लिए। बेस्ट एक्टर किसे चुना गया, तो रणवीर सिंह को पद्मावत के लिए। बेस्ट स्टोरी अंधाधुंध को, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसे चुना गया, तो अदिति राव हैदरी को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसे चुना गया, तो विक्की कौशल को। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट देख लेते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर किसे चुना गया, तो गुरु रंधावा, रोचक कोहली, सौरव वैभव, हनी सिंह और जैक नाइट को। फिल्म तो सोनू के टीटू की स्वीट के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड किसे दिया गया, तो अमिताभ भट्टाचार्य का। फिल्म कौन सी रही, तो धड़क, ठीक है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल यानी कि फीमेल सिंगर और बेस्ट प्लेबैक के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो हर्षदीप कौर और विभा सराफ को। दिलबरो और राजी के लिए दिया गया। प्लेबैक सिंगर मेल किसे चुना गया, किसे दिया गया अवार्ड, तो अरिजीत सिंह ए वतन या फिर कहा जाए तो राजी, ये दो सिनेमा रही। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया, तो राकेश रोशन को। बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो ईशान खट्टर को, धड़क सिनेमा के लिए। बेस्ट डेब्यू फीमेल या एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो सारा अली खान को, केदारनाथ के लिए। अब अगला इसका पॉइंट देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे आईफा अवार्ड 2019 में ही स्पेशल अवार्ड दिया गया जिसका नाम रहा आईफा बिग 20 अवार्ड, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो राजकुमार हिरानी को। फिल्म कौन सी, तो थ्री इडियट्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, तो दीपिका पादुकोण को और फिल्म कौन सी रही, चेन्नई एक्सप्रेस। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो प्रीतम को, ए दिल है मुश्किल के लिए। द मास्टर ऑफ कॉमेडी का अवार्ड किसे दिया गया, तो जगदीप जाफरी को। द मास्टर ऑफ डांस एंड कोरियोग्राफी का अवार्ड किसे दिया गया, तो सरोज खान को। तो इस तरह के लगातार अप टू डेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।